हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीप्ति रंगनानी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. टुडे वी विल डील्स विद केमिकल काइनेटिक्स एंड इन दिस सीरीज टुडे वी विल स्टडी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया की अणु संख्या क्या होती है? किसी भी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्या कहते हैं. जैसा कि फर्स्ट रिएक्शन में दिखाया गया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन वाटर और ऑक्सीजन में. तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो संख्या है वो एक है, अणु एक है, इसलिए ये एकाणु का अभिक्रिया होगी. इसकी अभिक्रिया की अणु संख्या एक है. सेकेंड रिएक्शन में H2 और I2 गिव्स टू HI में, क्योंकि ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें इसकी अणु संख्या दो होगी. थर्ड रिएक्शन FeCl3 प्लस SnCl2, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने पर 2 FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स 2 FeCl2 प्लस SnCl4 प्राप्त हो रहा है. तो चूँकि रिएक्टेंट इसमें तीन है, मॉलिक्यूल्स तीन है रिएक्टेंट के, इसलिए इसमें अभिक्रिया की मॉलिक्युलरिटी तीन होगी. इसी तरह से रिएक्शन हम दूसरी रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन. इथाइल एसीटेट का जल अपघटन हमने देखा कि इथाइल एसीटेट में इथाइल एस्टर ले रहे हैं, उसका जल अपघटन हो रहा है वाटर के साथ में, और हमें एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिल रहा है. इसमें अभिक्रिया की अणु संख्या दो है. ऐसे ही N2O5 की रिएक्शन में 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, इसमें चूँकि रिएक्टेंट दो हैं इसलिए अभिक्रिया की अणु संख्या दो होगी. अतः किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं और मूलकों की कुल संख्या को हम उसकी अणु संख्या कहते हैं. अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है उस अभिक्रिया में प्रयोग के द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में जो प्रक्रम है पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है. जो वेग समीकरण है उस वेग समीकरण में जितने भी रिएक्टेंट उनकी सांद्रता उनके पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है. जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट दो हैं तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन दो होगी. सेकेंड रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ़ रिएक्शन तीन है तो ऑर्डर तीन होगी. थर्ड जो रिएक्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट तीन है तो ऑर्डर उसकी तीन होगी. तो इसके लिए हम एक सामान्य अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी गिव्स प्रोडक्ट. तो यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको हम लिख सकते हैं dx/dt. क्योंकि इन तीनों जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं ए बी और सी, इनकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो रही है, इसलिए इस रेट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू के सी ए की पावर ए, सी बी की पावर बी, सी सी की पावर सी. और इसके लिए हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक ही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एक भिन्न संख्या या शून्य भी हो सकती है. तो यहाँ पर चूँकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट्स पर, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है और किसकी नहीं हो रही है. अगर सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा, और अगर सभी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा. इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे कि हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में एक इक्वेशन पढ़ी है, CH3COOC2H5 प्लस वाटर एसिड की उपस्थिति में CH3COH और C2H5OH में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर जो कि रिएक्टेंट दो हैं तो इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन दो होंगी. रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? इथाइल एस्टर और वाटर. लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें इस रिएक्शन की स्टडी करनी पड़ती है, प्रायोगिक अध्ययन करना पड़ता है, और उसमें यह ज्ञात होता है कि एस्टर की जो कंसंट्रेशन है समय के साथ परिवर्तित हो रही है, लेकिन वाटर एक्सेस में होता है, इसकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए ऑर्डर में उसका योगदान नहीं होता है. इसलिए इस इक्वेशन की मॉलिक्युलरिटी दो होगी, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है लेकिन इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होगी. ऐसे इसको इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं. ऐसे ही हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन देख रहे हैं, N2O5 गिव्स N2O3 प्लस O2. इसमें
ये स्लो स्टेप है। नेक्स्ट इसका जो फास्ट स्टेप है उसमें N2O3 गिव्स NO प्लस NO2 है, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप हो उसमें NO प्लस N2O5 कन्वर्ट हो रहे हैं 3NO2 में। ये दोनों फास्ट रिएक्शन है लास्ट वाली, पहली रिएक्शन स्लो है, और जो स्लो रिएक्शंस होती हैं वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में काम आती हैं। अतः क्योंकि स्लो रिएक्शन में एक N2O5 का मॉलिक्यूलर है मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, वो इंटीजर जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो पूर्णांक ही हो यह आवश्यक नहीं है, यह एक भिन्न संख्या या शून्य भी हो सकती है। तो इस तरह से मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने के बाद हम आते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं का गणितीय रूप, वेग अभिक्रिया की वेग समीकरण का अवकल या समाकलन रूप, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि अभिक्रिया का वेग क्रिया करने वाले अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता हो, और शून्य कोटि की अभिक्रिया इसको कहते हैं। और ऐसे अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट रिएक्शन में ए गिव्स प्रोडक्ट और यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट के जीरो दे रहे हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के जीरो इंटू ए की पावर जीरो। ए की पावर क्यों जीरो लगाई है, क्योंकि ए की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के जीरो। माइनस डी ए बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के जीरो। डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इज इक्वल टू के जीरो इंटू डी टी। डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस के जीरो टी प्लस सी। अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा, अतः सी इज इक्वल टू जीरो होगा। अतः हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के जीरो टी या के जीरो इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू। अगर एक्स और टी में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है, और हाफ लाइफ पीरियड इसका प्राप्त हो रहा है ए बाई टू इज इक्वल टू के जीरो इंटू टी हाफ, या हम कह सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन टू के जीरो, या टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए जीरो। तो के जीरो की जो यूनिट होगी वो होगी लीटर अपॉन मोल की पावर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से जो इस n माइनस वन में हम n की जगह जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसी तरह से जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनके एग्जांपल्स हैं, टू अमोनिया गिव्स N2 प्लस 3H2, टू N2O इज इक्वल्स टू 2N2 प्लस O2, टू HI गिव्स H2 प्लस I2। इसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट इसके लिए जो एग्जांपल लेंगे वो है ए गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए हम जो रेट इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के वन इंटू सी ए, या इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पर ए माइनस एक्स हो जाएगी, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ए माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन इंटू ए माइनस एक्स। और अगर हम इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए के बाद हम लिख सकते हैं इसको माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन टी प्लस सी, और सी की वैल्यू हमें प्राप्त होती है माइनस लॉग ए, और लास्ट में हमें इक्वेशन प्राप्त होती है के वन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, और अगर हम हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो टी इज इक्वल टू टी हाफ पर एक्स इक्वल टू ए बाय टू, तो के वन इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस ए बाय टू, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लॉग टू आ जाएगा। लॉग टू की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे 0.3010, तो फाइनली हमारे पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के वन। तो इस तरह से हमने जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनकी डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड फॉर्म, उनकी हाफ लाइफ और उनके हमने ग्राफ की स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। थैंक यू।